सो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, कहीं रुकते हैं थोड़ा। सो चलिए गाइस, फाइनली पहुंच चुके हम लोग ब्रह्मस्थली मंदिर। यहाँ पर दूध चढ़ाने से सीधे वो दूध केदारनाथ पहुंचता है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम टू मैनी व्लॉग्स। सो गाइस, हो गई एक नए व्लॉग की शुरुआत बहुत बढ़िया और बहुत बिंदास तरीके से। तो गाइस, हाथ में है गर्मा गर्म चाय और बहुत सुंदर सा मौसम, और आप देख रहे हैं गाइस मेरे पीछे कॉटेज। कल रात हम यहीं रुके थे, आपको पता ही पिछले व्लॉग में सब कुछ आपको मालूम पड़ गया था। और यहाँ जली थी गाइस हमारी बोन फायर। मौसम बहुत प्यारा और फिलहाल अभी तक यहाँ पर धूप आई नहीं है, कुछ देर में आ जाएगी धूप। देखिए कितनी प्यारी चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ना गाइस बर्ड सेंचुरी है और काफी सारे लोग यहाँ पर आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो चलिए गाइस, फाइनली हो गए हम लोग नहा धो के तैयार। नहाए तो नहीं है, खाली धोया है मुँह हाथ बस। और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बता चुका हूँ आपको मैं। कुछ देर में होने वाला हमारा बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट, ऑल राइडर्स आर रेडी, बैक पैक लेते हैं यहाँ से विदाई। कुछ देर में हमारे आने वाले आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे है ना। वैसे तो बिल्कुल डॉक्टर लग रहा है भाई साहब, गजब। सो गाइस, लग चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। और देखिए इस पराठों का साइज देखिए आप, ठीक ठाक पराठे और हेल्दी पराठे। फाइनली अब निकलते हैं अपनी धन्नो रैम्बो। और आपकी गाड़ी गाड़ी का नाम क्या है भाई साहब? द लेजेंड। अरे भाई साहब, धन्नो रैम्बो और द लेजेंड कुछ मेल नहीं खा रहा यार, कुछ और नाम रखो। सो गाइज, ये वाला जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, हाँ जी गाइज, ये है ब्रह्मस्थली। यहाँ जाना गाइज अभी हमको। ओह चलिए जी, चलिए गाइज फाइनली निकला जाए, लेते हैं गाइस दी हॉक से अलविदा और चलते हैं अपने अगले ट्रैक की तरफ, ब्रह्मस्थली ट्रैक की तरफ। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो गाइस पहुंच चुके हम लोग गुगु खाम में, और ये जो भाई हमारे जान पहचान वाले, तो अपने जो बैग वगैरह हैं हम इसी शॉप पे रखने वाले हैं। सो गाइस बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ, और गाइस यहाँ से मिलने वाली हमको गजब की ऑफ रोडिंग। वैसे गाइस ऑफ रोडिंग में मैंने बहुत सारी कर ली है, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंट कि यहाँ के जो रोड है ना, ये पूरी टूटी हुई है और इसमें रेता सा पड़ा हुआ है, तो इससे स्लिप होने का डर ज़्यादा है और तो कुछ नहीं। लेकिन चलिए हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये ऑफ रोडिंग है लगभग 8 से 10 किलोमीटर की होने वाली है, तो ये सफलतापूर्वक जो है कम्प्लीट हो। और मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है गाइस, आप देख रहे हैं, और व्यू आप देखिए हमारे यहाँ दोनों तरफ पेड़। चले भैया, बहुत दूर है, 10 किलोमीटर है। अच्छा, सो गाइस देखिए हम लोग यहाँ रुके हैं थोड़ा, सामने पुरांस के फूल दिख रहे हैं हमको बहुत प्यारे प्यारे। देखिए गाइस आप, क्या बात है, वाह कितने सारे पुरांस के फूल है। देखिए गाइस, पहुंच गए। ओके सो गाइस, अपनी 10 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने बेस कैंप, यानी कि ब्रह्मस्थली के बेस कैंप में। और गाइस यहां से स्टार्ट होने वाला हमारा ट्रैक। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रैक है और ये जो हाइट है, ये नैनीताल का सबसे ऊंचा ट्रैक है। आपने चाइना पिक देखा होगा, नैना पिक देखा होगा और टिप एंड टॉप वगैरह देखे होंगे, लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा हाइट में है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना ट्रैक,
हमने स्कूटी और अपनी बाइक ही खड़ी कर दी है, हेलमेट उसमें चिपका दिए, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जय हो प्रभु, जय इष्ट देवता। चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रैक। वेलकम बायोडाइवर्सिटी ट्रेल। और गाइस आप देख सकते हैं पूरी खड़ी चढ़ाई यहाँ पे, और इसको देख के ना मुझे मेरा पंखुड़ ट्रैक याद आ गया। वहाँ भी गाइस बिल्कुल ऐसी चढ़ाई थी, एकदम खड़ी चढ़ाई। विजय कुछ है ना यहाँ पे, कुछ आवाज़ आ रही गई जानवरों की है। अच्छा जंगली मुर्गी है भाई साहब, एकदम से ऐसी आवाज़ आई, मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या जो है। सो गाइज यहाँ से आप नीचे का व्यू देखिए क्या मस्त लग रहा है। थोड़ी धुंध लगी हुई है लेकिन आसमान में बादल है, और अब तो गाइज गर्म होने लगा है, लगता है कुछ देर में जैकेट निकालनी पड़ेगी। कमल विजय भाई, संजय भाई लीड करते हुए हम लोगों को। ओह यस, आजा आजा ऊपर होल्ड। सो गाइस कुछ देर यहाँ पे शाम करने वाले हैं छाव में, सिर्फ 2 मिनट। भाई साहब विजू का कमान विजू खतरनाक कॉपी कर रहा संजय की। दिस इज ऑल माय आइडियाज, ऑल योर आइडियाज है। भाई भाई ऊपर जाके व्यू बहुत प्यारा आएगा ना, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ व्यू। अच्छा ऊपर से गाइस टाइम लैप्स दिखाएंगे अभी आपको। भैया हैं वीडियो के, कह रहा क्या कह रहा, कुत्ते चला दिया बोल तूने। भैया को चला दिया कहा, बहुत आएगा व्यू। बल Come on. वो तो निकल लिया आपने पीछे यार, हम तो नहीं रह गए। हो हरि ओम राम हरि ओम। सो गाइज दोनों चीज़ हो रही हैं, ठंडा भी लग रहा है और गर्म भी। हवा चल रही है ठंडा लग रहा है, और चल रहे तो पसीना आ रहा है। मैं तो जैकेट निकाल ली अपनी, अरे चल रहे हैं गाइज। अरे भाई साहब ये निकल के मेरे से आगे, चलो चलो चलो। और संजय को देखो भाई कहाँ पहुँच गया। सो गाइज ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं, ये देखिए सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, यही है। ओके कहीं रुकते हैं थोड़ा।
क्या क्या गलत भाई साहब मिर्ची का प्रकोप, अरे अरे भाई साहब मेरा कोई हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं तेरा यार, ना तेरा मुंह है। वही ना, इंसान ठोकर पत्थर से खाता है और दोष पत्थर को देता है, गलत जगह पत्थर आ गया। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने ब्रह्मस्थली मंदिर के पास। केदारनाथ नहीं जाता है। अच्छा सो चलिए गाइस फाइनली पहुंच चुके हम लोग ब्रह्मस्थली मंदिर, जो समर्पित है ब्रह्मा जी को, जिसकी खोज गाइस यहां पर हुई थी लगभग 500 साल पहले, और उससे पहले का ये मंदिर है गाइस। तो इसका जो अस्तित्व है बहुत पुराना है, बहुत माना जाना मंदिर है। और अभी मुझे संजय ने बताई एक बात कि यहाँ पर जो अभी होल देख रहे हैं ना गाइस, यहाँ पर दूध चढ़ाने से सीधे वो दूध केदारनाथ पहुँचता है। तो इस मंदिर की ये मान्यता है, भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित ये मंदिर, और हमारे कुल देवता गुरु देवता हनुमान जी, सारे भगवान उपस्थित हैं, राधा रानी जी भी यहाँ पे है ना। और बहुत सुंदर मौसम गाइस देखिए, अब यहाँ से फिलहाल थोड़ी सी धुंध लगी हुई, लेकिन ये जो हाइट है ये 3000 मीटर है, बताइए ये 3000 मीटर है ये। अच्छा क्या आसपास है ये? सो गाइस 3000 मीटर की हाइट में अभी हम लोग आ चुके हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो बताइए गाइस, यहाँ धूप भी रखी मिल गई और माचिस मिल गई, क्या बात है। भगवान चाहते थे कि हम लोग यहाँ पर आके धूप जलाएं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ये माचिस दीजिए, तुम्हारे पीठे लगा, तुमने कहाँ से लगाया? क्या पीठिया? मैंने हनुमान जी को लगाया। अच्छा जय श्री देवता। ईश्वर भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम बच्चों को बना के रखें। जय हो प्रभु, जय हो महाराज, जय श्री देवता। सो गाइस कुछ देर बैठ के यहाँ मैं करने वाला हूँ मेडिटेशन। हरे महादेव। सो गाइस फाइनली लगभग 10-15 मिनट किया होगा मेडिटेशन, और काफ़ी अच्छा फील होता है गाइस मेरे को मेडिटेशन करने के बाद, ऐसी जगह आने के बाद जहाँ पर बिल्कुल शांति है, आसपास कोई शोर शराबा नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं। सो गाइस मैं बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को हमेशा से, कि हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले, इस जगह के रहने वाले, कि जहाँ पर इतना कुछ देखने के लिए है। और मैं उम्मीद करूँगा कि जो मेरे व्लॉग के माध्यम से आप लोग चीज़ देख पा रहे हैं, आप सब लोग भी इन चीज़ों को पसंद करेंगे। और हमारे विज्जू भाई मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये महर्षि के बच्चे हैं, महर्षि के स्टूडेंट, तो मेडिटेशन करते ही हैं। मतलब बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं ये ना, जो बनाई हुई हैं ये पत्थरों की। हाँ सबसे पुरानी मूर्ति मेरे ख्याल से यही है। ये देखिए 500 साल कम नहीं होते गाइस, बहुत ज्यादा होते 500 साल। हाँ ऋषि मुनि, हाँ तपस्या करते हैं, तपोभूमि टाइप की है, तपस्वी स्थल, तपस्वी स्थल टाइप का है। हाँ तो उन्होंने अपना वो करने के लिए यहाँ पे मूर्तियों का अनावरण कर रखा है, और फिर हल्के हल्के लोगों को पता चला होगा। यस बहुत है ना, आप जो भी मांगेंगे सच्चे दिल से आपको वो जरूर मिलेगा, प्राप्त होगा।
और गाइस पता नहीं आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ से ये देखिए ग्लेशियर दिखाई दे रहा है बहुत साफ, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन कैमरे में उतना साफ दिखेगा आपको। बर्फ गिरी कह रहे हो? अरे भाई साहब, अरे एक हफ्ता पहले होगी यहाँ पे। अरे चलिए गाइस थोड़ी सी यहाँ से बर्फ उठा के ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं गिरी लेकिन थोड़ी बहुत ही है। सो फिर गाइस कुछ देर यहाँ विश्राम करके निकल रहे हैं वापस गाइस अब हल्द्वानी की तरफ। गाइस जो हमारा फाइनल ट्रैक था ब्रह्मस्थली का ये कंप्लीट हुआ और ऑफ रोडिंग भी कंप्लीट हुई, तो बहुत मज़ा आया गाइस, और उम्मीद करूँगा जो मेरे अभी तक व्लॉग आए हैं आप सब लोगों को बहुत पसंद आ रहे होंगे। शुक्रिया हमारे संजय भाई का, जिनकी वजह से जिनकी मेहनत की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे, ठीक है। और थैंक यू हमारे बिज्जू भाई की तरफ से, क्योंकि इन्होंने बहुत भरपूर साथ दिया है ना, बहुत हिम्मत दिखाई। गाइस मैं उम्मीद करूँगा ये जो मेरा पूरा व्लॉग था ब्रह्मस्थली ट्रैक का आप सब लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको गाइस ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस देखिए यहाँ पर हमने एक पेड़ लगाया है, उस पेड़ का नाम रखा हमने इंडी मिंडी। भाई साहब स्नोफॉल हो गया ब्रह्मस्थली में, ये देखिए ये बर्फ का गोला लेकर के आ गया, इसमें थोड़ा काला खट्टा डालना भैया, एक काला खट्टा, ये देखो भैया क्या बात है, हाँ मस्त चमक रहा है, ये दिखाओ लो पको। और काफी टाइट है ना बर्फ, कितने टाइम पहले पड़ी होगी लगभग? वही जब नैनीताल में पड़ी। अरे भाई तोड़ दिया ना, अभी फिर आ जाएगा वो, नहीं है वहाँ, नहीं है वहाँ, बर्फ ही बर्फ है भाई, नहीं रुकते हैं थोड़ा, अरे आराम से भाई मेरे। क्या क्या सो गाइस देखे कितने सेकंड का बना है मेरा टाइम लैप्स।